મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે કોરોના કાલ મે આમ જનતા પરેશાન હે કોરોના કી વજહ સે લોગો કો ઘરો મે રહેના પડા और ऊपर से लोगों की नौकरी और बिजनेस चौपट हो गए हैं और अब जनता पर दोहरी मार पड़ी रही है। महगाम के बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता परेशान है। बढ़ती महगाम से जनता परेशान है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर आम इंसान की जरूरत की वो चीज़ महंगी होती जा रही है। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में 4 साइकिल भाजपा के मंत्रियों को देने की घोषणा की गई। चारों साइकिल कैरियर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पेट्रोल मंत्री को चाहिए और साथ ही कांग्रेस की तरफ से भाजपा को आईना भी दिखाया गया ताकि भाजपा के बड़े नेताओं को शर्म आ सके और जनता के ऊपर जो भार डाला जा रहा है उसे कम करें और जनता को राहत मिल सके इस महंगाम में और गरीब जनता दो वक्त की रोटी खा सके। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करती है या इसी तरह जनता महंगाई से परेशान होती रही गई। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरदास दिल्ली से। सर आज आप साइकिल मोदी जी को दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या रीजन है साइकिलों को देने का और दूसरा इनको आईना क्यों दिखा रहे हैं? देखिए लगातार पिछले 5 माह में 44 बार डीजल और पेट्रोल के दाम इस देश में बढ़े। जब ये विपक्ष में थे तो आए दिन लगातार 10 पैसे भी कांग्रेस की सरकार और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार में बढ़ते थे तो ये सड़कों पर दिखाई देते थे। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक थी। अब लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल और भूटान जैसे देश अपने देश की जनता को भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल मुहैया करा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है सशक्त और मजबूत भारत बनाने की बात करती है वो अपने मुल्क में एक छोटे देशों से महंगा और 5 महीने में 44 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। आज देश की जनता जो है बसों में परिवहन व्यवस्था महंगी हो गई है मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है तो आज देश की जनता जब साइकिल पर चल रही है तो मैं समझता हूँ कि देश के सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ने उन्हें चुन के यहाँ भेजा है तो उन्हें भी साइकिल पर चलना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं उनको छोड़ के उनको सरकार को ये आईना दिखाने का काम भारतीय युवक कांग्रेस कर रही है कि वो साइकिल पर चलें और इस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है उसको पूरा करें। आज लगातार जब से महंगाई उनकी बढ़ी है भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रही है और उसी क्रम में आज देश के प्रधानमंत्री को गृह मंत्री को और स्मृति ईरानी और साथ में पेट्रोलियम मंत्री को हम साइकिल भेजने का काम कर रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि जागिए इस देश की जनता आप कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार अब हटाओ मोदी और भाजपा सरकार। भैया जी क्या कहना आपका इस बारे में सीक्वेंस करना था? देखिए जब कोरोना में पूरे दुनिया में अलग अलग सरकारें अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा लोगों को मदद करने में लगी हुई है लोगों के खाते में पैसे डालने के अकाउंट में पैसे डाल रही है हमारी एक सरकार है दुनिया अजीब सरकार है जो गरीबों और मध्यम वर्गों को लूटने में लगी हुई है लगातार रेट बढ़ाते जा रही है और ऐसा समय उन्होंने ढूंढा है जब लोग रास्ते पे आके प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना के काल में आप एक साथ कई लोग जमा नहीं हो सकते। तो ये जो सरकार है अभी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ये स्मृति ईरानी जो घड़ियाली आंसू बहाते थे और गरीबों के हमदर्द बनने का नाटक करती थी उनके साथ में
धर्मेंद्र प्रधान जी जो नाकारा पेट्रोलियम मिनिस्टर है और नाकारा जो प्रधानमंत्री जो गरीबों की बात समझ नहीं पा रहे हैं और किस तरीके से सिर्फ गरीबों के प्रधान सेवक बनने से नहीं होगा, गरीबों को दर्द समझना पड़ेगा, खुद के मन की बात करना बहुत हो गया मोदी जी, जनता की मन की बात आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए आईना इनको भेज रहे, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी क्रूड ऑयल के रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थे, तब भी सरकार ने उन्हें सब्सिडी देकर कंट्रोल में रखा था, और ये लोग जब 10 पैसे 50 पैसे भी रेट बढ़ता था तो रास्ते पर आके प्रदर्शन करते थे। तो उनको आईना हम दिखाना चाहते हैं, ये आईना देखिए और खुद शर्म कीजिए, और शर्म अगर आए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए और इस्तीफा दीजिए। सर भैया जी, किस प्रकार से आप साइकिल भेजेंगे, आप खुद घर पे देने जाएंगे या किस तरह से? नहीं, हम कुरियर के माध्यम से भेजेंगे, कुरियर के माध्यम से भेजेंगे। हम जानते हैं इनको साइकिल की जरूरत नहीं, अगर इनको ये दर्द पता होता पेट्रोल डीजल रेट बढ़ने का तो सरकार रेट कम करती। ये तो खुद एसी कार में घूमते हैं, इनके पीछे कई गाड़ियों का ताफा होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके जिस तरीके से गरीब लोग अभी डीजल और पेट्रोल के रेट को लेकर त्रस्त है, ऐसे वक्त जब रोजमर्रा की जिंदगी में वो रोज खाने पीने को लेकर जद्दोजहद और संघर्ष कर रहे हैं, रेट बढ़ाना सरकार का गलत काम है। बीजेपी विपक्ष में तो उन्होंने कहा था पेट्रोल हम 45 रुपए लीटर देंगे, हमारी सरकार आएगी। देखिए, ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको जनता से सिर्फ 5 साल में एक बार काम पड़ता है जब इनको वोट लेना होता है, और ये सरकार सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है, जनता के लिए काम नहीं करती है।